श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? आज हम प्रदीप मिश्रा जी का फिर से नया एक उपाय लेकर आ गए हैं। यह उपाय जितना कारगर है उतना ही सरल है। यह जो उपाय है पूर्णिमा के दिन किया जाएगा, यानी कि 3 जून शनिवार को पूर्णिमा आ रही है। क्योंकि इस दिन शनिवार है तो उपाय और भी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। यह जो उपाय है यह उन लोगों के लिए रहेगा जो कि बीमार है। हालांकि इस उपाय से आपके मनोवांछित इच्छा भी संपूर्ण होगी, यानी कि एक ही काम करने से आपके दोनों काम बन जाएंगे, बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा और आपकी इच्छा भी संपूर्ण होगी। आइए जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर और उनके उपाय को समझकर इस उपाय को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। आप भी इस उपाय को पूरी पूरी कोशिश करना समझने की। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। आइए समझते हैं इस दिन क्या करना है। आपको पूर्णिमा के दिन एक ही उपाय करना है, आपको एक खीर बना लेनी है। जी हाँ, आप सादी खीर बनाए, चाहे आप उसमें ड्राई फ्रूट्स बनाकर बना ले, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप बना लें। और ठीक 12 बजे आपको चांद के रोशनी में पहुंच जाना है। जी हाँ, आपको ये जो खीर होगी चांद की रोशनी में लेकर पहुंच जानी है। यह जो हम सबसे पहले उपाय डिस्कस कर रहे हैं ये उनके लिए जो कि बीमार रोगी हैं। इसको करने के लिए आपको चांद की रोशनी में रात को 12 बजे ये जो आपने खीर बनाई है ये आपने रख देनी है। आपने यह जो खीर है ढककर रख देनी है और सुबह इस खीर को उठा लेना है और उस व्यक्ति को खिलानी है जो कि बीमार है। यकीन मानिए जल्दी वह इंसान ठीक होने लग जाएगा और उसको दवाइयां भी लगनी शुरू हो जाएंगी। आइए अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा उपाय भी इतना ही सरल है और आपको खीर से ही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। यह जो खीर का उपाय आपको करना है, खीर बनाने के बाद आपने कुछ हिस्सा इसमें से माँ लक्ष्मी जी के नाम से निकाल लेना है रात को 12 बजे से पहले पहले। जी हाँ, आपको ये जो खीर का थोड़ा सा आपने जो भाग निकाला है माँ लक्ष्मी के सामने लेकर पहुँच जाना है और उनके सामने अपनी इच्छा रखनी है और उनको भोग लगाने के लिए आग्रह करना है। जब वो भोग लग जाएगा आपको भोग उठा लेना है, किंतु अभी खाना नहीं है। ये आपने रात के 12 बजे पूर्णिमा को रात को चांद के सामने ही खाना है। जब रात के 12 बज जाएंगे और पूर्णिमा के चांद की रोशनी हर तरफ फैल रही होगी तभी आपको यह जो खीर है आपने खानी है। और वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि पूर्णिमा की रात को यह चांद निकला है उनके सामने भी यही प्रेयर करनी है, जो भी आपकी इच्छा होगी। अगर हो सके तो आप इस दिन चांद को रात को कच्चे दूध के साथ जल भी समर्पण कर सकते हैं और उनको कुछ फूल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर उपाय अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के नए नए उपाय डलते रहते हैं जिससे आपकी कई समस्याओं का समाधान होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और कमेंट में हर हर महादेव या शिव शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें।